कुछ भी पाना आसान नहीं, फिर भी हार मान सकता नहीं। कुछ भी पाना आसान नहीं, फिर भी हार मान सकता नहीं। बिन तपे आँच पर सोना कीमती बन सकता नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी कामयाबी की एक दिलचस्प कहानी हो। मैं चाहता हूँ मेरी कामयाबी की एक दिलचस्प कहानी हो। भीड़ में रहकर कभी एक मिसाल बन सकता नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूँ वह यह है कि आप ग्रेजुएशन के बाद या यूजी के बाद अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना है, जो भी करना है, आप उसका निर्धारण जितना अच्छा करेंगे, जितना सही समय पर और पहले करेंगे, उतना ही उस लक्ष्य को पाना आपके लिए आसान होगा। ट्वेल्थ लेवल पे अगर आप किसी भी विषय के चयन में गलती करते हैं तो उसे आप यूजी लेवल पर अवश्य ठीक कर लीजिए, वरना क्या होता है कि आप एक लंबी पढ़ाई करने के बाद वापस फिर उसी कोर्स पर आते हैं जिसको हम इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, जिसमें आपको बहुत समय का नुकसान होता है। बिना सोचे समझे किसी भी तरह के कोर्स का सिलेक्शन न करें, दूसरे को देख करके ऐसा न करें। जैसे मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसके लिए आपको पीजी, पीएचडी और तमाम तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यूजी करिए और यूजी के बाद यूपीएससी की आप प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए अगर आपको टीचर बनना है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेंट्रल में जाना है या स्टेट में जाना है, आपको पीआरटी टीचर बनना है, टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, ठीक है, या प्राइमरी स्कूल में जाना है, जूनियर में जाना है, टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, या हायर एजुकेशन में जाना है, क्योंकि सारे टीचर्स बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप तय करिए और उसी के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, आप उतना पढ़ करके भी उस फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, यूजी आपका साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स एंड सोशल में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यूजी आपका कॉमर्स में है तो उस कंडीशन में आप कॉमर्स में तो जा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप आर्ट्स एंड सोशल साइंस में जा सकते हैं, लेकिन आप साइंस में कभी नहीं जा सकते, ठीक है। यदि आप आर्ट्स या सोशल साइंस में यूजी किया है आपने, तो आप आर्ट्स और सोशल साइंस में ही जा सकते हैं, कॉमर्स और साइंस में आप नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यूजी में साइंस, आर्ट्स एंड सोशल एंड कॉमर्स के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के बारे में बात करें, तो इसमें अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप बायो ग्रुप से हैं, ठीक है, और आप पहले से मेडिकल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्वेल्थ के बाद यदि आप मेडिकल फील्ड में गए हैं, तो मेडिकल फील्ड में जो भी आपने यूजी कोर्सेस किया है, जैसे आप एमबीबीएस से लेकर के बीए, एमएस से लेकर के बीडीएस से लेकर के जो भी कोर्स आपने यूजी लेवल पर मेडिकल में किया है, आप उसके आगे आप पीजी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नर्सिंग कोर्स किया है तो आप स्पेशल नर्सिंग कोर्सेस आप आगे कर सकते हैं, स्पेशल पैरामेडिकल जो कोर्सेस होते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी वेटनरी साइंस में किया है तो आप एमएससी वेटनरी साइंस में कर सकते हैं। अगर आपने बी फार्मा किया है तो आप पीजी में एम फार्मा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में बीएससी किए हैं आप उसमें एमएससी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या बनना है, ठीक है। अगर आप इंटर के बाद बीए एलएलबी नहीं किया है, आपने डिसाइड नहीं किया था कि हमें लॉ के फील्ड में जाना है, तो आप यूजी के बाद तुरंत एलएलबी का कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बीपीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
और बीपीएड आप चाहें तो इंटर के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने वहाँ डिसाइड नहीं किया और यूजी कर लिया तो यूजी के बाद भी आप बीपीएड कर सकते हैं अगर आपको खेल कूद में रुचि है, स्पोर्ट्स के फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं, आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट और रुचि रखते हैं तो आप इंटर के बाद भी चाहें तो तुरंत बिलीव कर सकते हैं बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। या आप वहाँ नहीं कर पाए तो आप यूजी के बाद भी बिलीव कर सकते हैं। आप अगर टीचिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आप यूजी के बाद जस्ट बीएड करिए, क्योंकि बीएड बहुत मान ऐसा आप मोटी मोटा मान के चलिए कि अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन को छोड़ दिया जाए यानी पीआरटी प्राइमरी स्कूल से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक के मैक्सिमम चीज़ों में बीएड की ज़रूरत होती है तो आपको बीएड करना चाहिए। यदि आप फाइन आर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको इंटर के बाद ही बीएफए जैसे कोर्सेज कर लेना चाहिए। अगर आप वहाँ डिसाइड नहीं किए हैं तो आप जल्द यूजी के बाद भी बीएफए कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद करने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसके बाद अगर आप यूजी हैं तो आप अपने रुचि के हिसाब से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे जो रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है वो तमाम तरह की पोस्ट निकालता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कंप्यूटर की एडवांस जो कोर्सेज होते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद अगर कोई ने कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो आप उसके आगे के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा आज के समय में स्कोप है। अगर आप साइंस में जो है मैथ्स ग्रुप में यूजी किया है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग यदि आपने किया है, बीटेक किया है, तो आप अपने फील्ड में एमटेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जिसमें आपने बीएससी किया उसमें आप एमएससी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, लेकिन एमए करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एमए तो वही बच्चा कर सकता है जो बीए किया हुआ है, ठीक है, आर्ट्स एंड सोशल वाला। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक किया है इंटर के बाद तो आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा और आगे बढ़ करके बीटेक कर सकते हैं, या आपने आईटीआई किया है तो आप आगे जो है यूजी आईटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस उससे कोर्स है आप उसको कर सकते हैं। आप बीसीए किए हैं तो एमसीए कर सकते हैं, अगर आपने बीबीए किया है इंटर के बाद तो आप यहाँ पर एमबीए का भी कोर्स कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने पीछे बताया आपको, बिलीव कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, ठीक है, और एडवांस कंप्यूटर साइंसेस की जो कोर्सेज होते हैं आप उसको कर सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, और यदि आप एग्रीकल्चर में यूजी हैं तो उस कंडीशन में आप एमएससी इन एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं जिनको आप यूजी के बाद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूजी इन आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, अगर आपने आर्ट्स या सोशल साइंस में यूजी किया है तो उस कंडीशन में आप उस फील्ड में पीजी कोर्सेज कर सकते हैं, यानी पीजी कर सकते हैं। यह बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पीजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीजी करने का एक ही मकसद होता है कि आप लाइफ में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो पीजीटी यानी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, इसलिए आप पीजी कर रहे हैं, या पीजी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो आगे आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जहां पर पीजी के बाद आप नेट जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, यानी पीजी करने का इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं होता है, यानी कम से कम आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं या हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाकी जितने भी तरह के कोर्सेस आप करते हैं या जो जीवन में बनना चाहते हैं आप उसको यूजी लेवल पे पा सकते हैं, ठीक है, आप एलएलबी कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीलीव कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, अगर यूजी आपने किया और फिर बीएफए में जाने का मन है, फाइन आर्ट्स में जाने का मन है तो आप बीएफए कर सकते हैं, बाद में आप एमएफए कर सकते हैं, और उस फील्ड में आप कम से कम इंटरमीडिएट में टीचर या उसके बाद हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। इसके अलावा आप
ठीक उसी तरह से आप UPSC में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए UG इन कॉमर्स, आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, तो आप PG भी कर सकते हैं कॉमर्स में। PG कोर्स जो होता है कॉमर्स में, आप MCOM कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, BPED कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं, BLEAV कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। अगर आपने BBA किया है, BBA क्या होता है, इंटरमीडिएट के बाद किए जाने वाला कोर्स होता है। लेकिन मान लीजिए आपने BBA नहीं किया, आपने BCOM कर लिया और फिर आपके समझ में आया कि हमें ये कोर्स करना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आप BBA कर सकते हैं। अगर आपने BBA किया है तो आप जस्ट MBA कर सकते हैं, या UG या BCOM किया है तो BCOM के बाद भी आप BBA और फिर उसके बाद MBA कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंस, कई तरह के फाइनेंस कोर्सेस होते हैं जो स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए होता है, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा है, आप उस तरह के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो अपने रुचि और शौक के हिसाब से आप UPSC में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, SSC, रेलवे, आप उसी तरीके से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरह के कॉमन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, चाहे आप BSc किए हों, BA हों, या फिर आप कॉमर्स के फील्ड में कोई भी आप उसको कर सकता है। जैसे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो से रिलेटेड जो कोर्स होता है वो कोई भी कर सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हैं और उससे रिलेटेड कई तरह के कोर्सेज होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रुचि शौक फोटोग्राफी में है, फोटोग्राफी आपको करना बहुत अच्छा लगता है, तो फोटोग्राफी से संबंधित भी तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, आप उसको कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट जो कोर्सेज होते हैं आप इसको 12th के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिनको आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th तक इन चीज़ों को डिसाइड नहीं किए थे तो अभी भी आपके पास मौका है, आप UG करने के बाद भी इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और UG प्लस ये स्पेशल कोर्सेज के आधार पर आप करियर अपना बना सकते हैं। इस तरह के कामों को आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स होता है आप उसको कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आपको पसंद है, इसमें आपको रुचि है, तो आप इससे रिलेटेड भी कोर्सेज करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। या आर्किटेक्चुअल जो डिज़ाइनिंग होता है उससे रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हैं। जो होम इक्विपमेंट जो डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, जो घर में हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में बता रहा था कि घर में जितने भी सामानों को हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रिज हो, AC हो, कूलर हो, फैन हो, और भी तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन हो, जिन भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित जो भी मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट होता है, आप उसकी डिजाइनिंग से संबंधित करियर बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड जो ब्रॉडकास्ट रिलेटेड जो कोर्सेज होता है, एडवर्टीजमेंट का ज़माना है और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग तरह के चीज़ों की स्किल्स की ज़रूरत होती है, आप उस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों को ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो फिल्म एडिटिंग, ठीक है, फिल्म एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट है, शौक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। या फिल्म में जो डायरेक्शन का काम होता है उससे संबंधित आप स्किल्स को सीखने के लिए कुछ कोर्सेज हैं, आप उसको कर सकते हैं। या फोटो और वीडियो एडिटिंग से संबंधित तमाम तरह के कोर्सेज होते हैं जिसको आप करके अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तमाम तरह के कोर्सेज आप उसको कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कई तरह की चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, आप उससे रिलेटेड भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। इसके तमाम तरह की चीज़ों के बाद भी अगर आप कुछ विशेष चीज करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, तो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आप BPED के थ्रू भी स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, या आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करने के साथ साथ भी स्पोर्ट्स के फील्ड में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन, तमाम तरह की चीज़ें हैं, अगर बिजनेस से संबंधित तमाम तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं तो आप एक किसी विशेष तरह की चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर आप अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो भी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। सोशल वर्कर बनना चाहते हैं तो भी आप अपने शौक के हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई आर्टिस्ट
बनना चाहते हैं तो भी आप इस लेवल पर अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं विशेष तरह की जानकारियों को आप विस्तार से आपको बताऊं, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ विशेष तरह की जानकारी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार।